पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद पंजाब पुलिस नशों की तस्करी के लिए मामले में बेहद सतर्क हो गई है। गौरतलब है चुनावों में तरह तरह के नशों का प्रलोभन देकर मतदाताओं को लुभाने की कोशिश की जाती है, लेकिन पुलिस ने इस पर अपनी पैनी नजर बना रखी है। ऐसा ही एक मामला लुधियाना में सामने आया है, जहां जीआरपी पुलिस ने दो व्यक्तियों को करीब 20 किलो गांजा बरामद किया है। पकड़े गए आरोपियों नशे की ये खेप बिहार के दो जिलों पटना और हाजीपुर से ट्रेन के माध्यम से लाकर लुधियाना में सप्लाई देने आए थे। पुलिस ने इन दोनों को लुधियाना रेलवे स्टेशन में चेकिंग के दौरान पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए इस 20 किलो गांजे की कीमत करीब 2.5 लाख रुपए की है और पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि इस नशे की खेप का इस्तेमाल पंजाब में होने वाले चुनाव में बांटने के लिए तो नहीं किया जाना था। पुलिस इस बात का भी पता लगा रही है कि पकड़े गए आरोपी मोहम्मद शमशाद और शकलदीप महतो नामक ये लोग कब से इस नशे के कारोबार से जुड़े हुए हैं। आज कल शाम दो हमारी पुलिस पार्टियां चेकिंग कर रही है, एएससी जसवंत सिंह और एक एएससी रामकृष्ण। एक प्लेटफार्म नंबर 2-3 पे आदमी पकड़ा गया, उसके पास से 10 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है और एक आरएमएस दफ्तर के पास सर्कुलेट एरिया वहां से भी 10 किलो गांजा बरामद हुआ है। ये दो आदमी पकड़े, एक पटना और एक हाजीपुर। देखो नशा लाने का तो मतलब अब तफ्तीश कर रहे हैं, इसके बारे में पूछताछ कर रहे हैं, रिमांड हासिल कर रहे हैं, उनका पेश कर। ये एक पटना से आया, एक हाजीपुर से आया और लुधियाना में इन्होंने डिलीवरी करनी थी, उसके बारे में डिटेल निकलवा के ब्रीफ जी है इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इसकी भी डूंगाई से जांच कर रहे हैं, चुनावों में बरता जाना था, इसके बारे में डूंगाई से जांच कर रहे हैं। हाँ, इसके बारे में भी अब इनका जो पिछला रिकॉर्ड है तो उसको वेरीफाई करने के लिए आदमी भेज दिए गए, तो इनके खिलाफ क्या पहले कितने पर्चे दर्ज हैं और इनका पिछला रिकॉर्ड क्या है उसके बारे में वेरीफाई कर रहे हैं। देखो गांजा तो अब लगा लो इसका रेट 10,000 रुपये किलो के हिसाब से लगा लो, और यहाँ ये जो पता चला है कि पुड़ी के हिसाब से बेचते, पुड़ियाँ छोटी छोटी बना के 50-50 रुपये के ऐसे।